Good morning. I declare this session of the convocation open on behalf of the president. फेवरेट मोमेंट्स एक नहीं बहुत सारे हैं और दिन दिन के कई सारे मोमेंट्स हैं। यहाँ पे थापर में हम लोग रात में रात भर घूमते रहते थे, है ना, जब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना, तो उस टाइम वही सारे हमारे बेस्ट एक्सपीरियंस थे। सबसे पहले तो ये रेगुलेशंस हटवाएंगे सारी फालतू की, व्हिच इज बेसिकली इन टाइम। No end times for anyone, first of all. Especially girls hostel के लिए no end time. ये सवाल मत पूछ। Entry timings. Bobby Manchuri. Joyce ने बोला। After my hostel room. My favorite spot was OAT and OAT में भी specifically सुरूम। मैं सुरूम से ज़्यादा importance अभी तक तो मेरे लिए पूरे campus में नहीं है। At KOS in the evening, like I used to spend a lot of time at KOS. G block की canteen थी, the food was good. Library. मैं जाती, मैं पढ़ने नहीं जाती थी, बट वो बहुत पीसफुल और बात करने के लिए, फिर रियली वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन, तो मेरे लिए वो अच्छा था। हार्वर्ड लाइब्रेरी इज रियली गुड, तो लाइब्रेरी इज बहुत फर्स्ट लव। भाई बाहर की लाइफ भी को एंजॉय करनी चाहिए। नहीं नहीं एक्चुअली जिंदगी एच, नो क्वेश्चन, एच 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 भाई, एच 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 सुप्रीम, एच एच कांट हेल्प इट। मैं डे स्कॉलर थी। मैं हॉस्टल एक्सपीरियंस आई वुड से कि हॉस्टल लाइफ में एक चीज़ है, एंटरटेनमेंट बहुत मिलेगा, लड़ाइयाँ कभी भी हो जाती है तो बस एंटरटेनमेंट होता है। ये बर्थडे पार्टीज जो होती हैं, जो रात को बहुत मस्ती होती है बर्थडे वाले दिन, वो मैंने बहुत मिस किया है। या वही रात को नाइट आउट में चार पांच आठ आठ लौंडे बैठे हुए हैं एक रूम के अंदर, गार्ड आ रहा है, पता ही होगा तुम्हें तो, गप्पे कर रहे हैं, गार्ड आ रहा है, फिर गाने को बजा रहे, फिर गाने बंद करो, भाई ये सुबह रोज आधा घंटा बाथरूम बैठता है, निकले तो सही कभी एक्सपीरियंस बने। फॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज बनी जो एक्सपेक्ट नहीं की थी। आई वुड से अनएक्सपेक्टेड मोस्टली, इनिशियली आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन था पर से वो नहीं मिली, तो आई विल जस्ट गो विद अनएक्सपेक्टेड। बहुत ही ज्यादा मजेदार, ये जवानी है दीवानी, मेकअप सीट। एक वर्ड तो छोटा वर्ड है ऐसे, क्या वर्ड्स बन सकते हैं, वर्ड्स कम पड़ गए हमें बताने के लिए यार, इतनी अच्छी लाइफ थी कॉलेज लाइफ की। जेई में प्रिपरेशन अच्छी करके आए, नथिंग नथिंग एट ऑल, यानी मैंने अपनी कॉलेज लाइफ टू माय बेस्ट सरवाइव करा यहां पे, राइट। मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा, आई एक्चुअली आई एम ऑलरेडी विद ये जितने बच्चों देख रहे हैं, रिकॉर्ड हो गया। एवरी मोमेंट जिस पे मुझे ये लोग मिले हैं, एवरी मोमेंट जिस पे मैं इनके साथ रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा मैं, नथिंग। आज लास्ट डे ऑफिशियली, तो इट फील्स कि वर्थ इट था, जो भी था। आई फील कि जैसे कह रही है कि थापड़ आई हूं, थापड़ का मैं सोच रहा हूं, दिस लाइक यू विल मीट नाइस पीपल एंड दैट विल मेक इट वर्थ इट। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हम लोग फ्रेंड्स बने, बहुत अनएक्सपेक्टेडली हम फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छे और लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स बने, तो यू विल हैव ग्रेट मेमोरीज। पढ़ाई जिसको हम लोगों ने कभी स्ट्रिक्टली नहीं लिया, फॉलो नहीं किया, लास्ट मोमेंट में पढ़ते थे, साथ में मिलके ग्रुप स्टडी करते थे, उसी से हमारे सबके नंबर अच्छे आ जाते हैं। ओह, बुरी संगत में मत पड़ना। थैंक यू, थैंक यू।
मेक टाइम फॉर ऑल दैट. मतलब टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सोसाइटी, आपकी पढ़ाई, आपके फ्रेंड्स, आपको इन तीनों में टाइम डिवाइड करना है. तो मेक श्योर कि इन दो चीजों की वजह से कोई तीसरी चीज डल ना हो जाए. तो गिव टाइम इक्वली फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स. एंजॉय द जर्नी अलोंग विद द स्टडीज. लाइक यू शुड एंजॉय दिस इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हियर एट होम. तुम्हारे लिए एडवाइस है, तुम कॉलेज इतना फन करते करो. हां, क्योंकि कॉलेज को ऑफिस में इतना नहीं हो पाता, जॉब में इतना नहीं हो पाता. एक्सपीरियंस लो भाई, सब लोगों से मिलो, है ना, यही सारी चीजें देखो. जॉब पे इतना फन नहीं हो पाता. एरिया देखो कैसा है, लोगों से घुलो मिलो, ज्यादा बातें ज्यादा करो, और बाकी लाइफ तो ऐसे चलती रहेगी. आई से दैट स्ट्रेस विल ऑलवेज बी देयर, बट इवेंचुअली यू विल फाइंड योर मोमेंट्स टू शाइन. अगर कोई जूनियर्स के लिए एडवाइस है तो वो यही है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम कोड करो या ना करो, कॉलेज में आए हो तो नेटवर्क बना के जाओ. इतना नेटवर्क बना के जाओ कि हर कंपनी में तुम्हारा कोई ना कोई एक ऐसा नोन हो जो तुम्हें रेफरल दे सके, जो तुम्हारे किसी जूनियर को रेफरल दे सके, या फिर इन जनरल तुम्हारी हेल्प कर सके. इंजॉय करो, बस मेमोरीज बनाओ. ये शायद दोबारा नहीं आएगी. मास्टर्स में भी ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी. तो ये लास्ट, वेरी लास्ट ईयर ऑफ एंजॉयमेंट और वो फ्रीडम है जो चली जाएगी. फिर वो जॉब के बोझ के तले दब जाओगे. Na 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 na